सो है गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम लोग कॉर्नवॉल जाने के लिए रेडी हो गए थे और एक कॉफ़ी शॉप में रुक गए थे। हम लोग एक्चुअली स्टारबक्स में रुक गए थे। वहाँ पे स्टारबक्स एक नॉर्मल कॉफ़ी शॉप समान ही रहता है अपने यहाँ पे, जैसे बूम करते हैं। सो हम लोग डेवन क्लिफ्स पहुँच गए थे। ये एक बीच है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, मैं आगे आगे भी दिखाऊंगी। यहाँ पे कैरावैंस भी रखी हुई है जो बहुत ज़्यादा बॉम और बूम लग रही थी। आगे जाके कैरावैन का भी वीडियो आने वाला है, वो भी आप देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाली है। और ये जगह इतनी सुंदर थी, इतनी प्यारी, ऐसा लग रहा था कि अपनी आँखों से देख ही नहीं रही, इतना इतना अलग ही लग रहा था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बीच भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। सो जैसे कि आप देख सकते हो, इतना अच्छा रिफ्रेशिंग और इतना सुकून देने वाली चीज़ें थी यहाँ पे। पानी देखो तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, जैसे कि आप मेरे को देख के देख सकते हो कि मैं कितनी खुश थी। बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसे हॉलीडेज़ में जाना चाहिए जिसमें आपको बहुत अच्छा फील हो। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सुंदर वेदर है। यहाँ पे गेमिंग जोन था, सो हम लोग यहाँ पे कुछ खेले वगैरह नहीं, बट बहुत ज़्यादा अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा था। यहाँ पे बियर वगैरह तो खुले में पीते हैं, जो कि अपने यहाँ पे भी ऐसे जगह पे नहीं पीते हैं गेमिंग जोन वगैरह में, यहाँ पे तो सब चलता है। सो हम लोग एक घर में आके रुक गए थे जहाँ पे हमारा स्टे था। यहाँ पे सब चीज़ें थी, मतलब इनफैक्ट खाना बनाने के सामान से लेके सब रूम्स भी इतनी पॉश थी, वॉशरूम्स भी इतने पॉश थे। हर एक चीज़ इतनी सही तरीके से अरेंज की थी इन लोगों ने, जैसे कि एक घर हो, मतलब प्रॉपर एक रेस्ट हाउस जैसा रहना चाहिए वैसा। और डबल स्टोरी था तो ऊपर आके वो प्रॉपर हॉल वगैरह था, टीवी था, सोफ़ा था, बहुत सारी अच्छी बच्चों के लिए खेलने की भी जगह थी। सो मैं सोने के लिए रेडी हो गई थी क्योंकि हम लोगों को दूसरे दिन जल्दी उठ के जाना था। सो सोने की तैयारी कर रही थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब।